रामधुन की हमारी परिपाटी है, डिसिप्लिन है। उस हिसाब से परम श्रद्धेय महाराज जी से निवेदन करता हूँ, सभी संतों से कृपया मंच पर यहाँ उपस्थित होकर ग्रंथ का जो है विमोचन करें। काव्य रूपांतरित ग्रंथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना, सारी उपनिषद रूपी गायों का दोहन करने के बाद भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जो हमें ये दुग्धामृत के रूप में दिया हुआ है, और काल सापेक्ष इसकी व्याख्याएं चलती रही हैं। भगवद गीता की जो अति प्रसिद्ध व्याख्या, मतलब ज्ञानेश्वरी के रूप में महाराष्ट्र में लोग प्रसिद्ध है, और अभी अभी की स्थिति में साधक संजीवनी के रूप में राम स्वामी राम सुधा जी महाराज की भी टीका उपलब्ध है। न जाने कितनी व्याख्याएं काल सापेक्ष होती रहती है, काल परिप्रेक्ष्य में लोगों तक व्याख्याएं पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाता है, और ये अनवरत प्रयास चलता रहेगा और आगे भी होगा। इसी प्रयास का एक हिस्सा स्वर्गीय पंडित हमारे मिश्रा जी शर्मा जी बने हुए हैं। अतिशय भावपूर्ण जो है उन्होंने रूपांतरण किया हुआ है इस ग्रंथ का लोकार्पण करने के लिए, परम श्रद्धेय राघवेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी पुष्करानंद जी महाराज, हमारे दुबे जी, मैं मंच पर खड़े रहने के लिए निवेदन करता हूँ, और मदनलाल जी गर्ग जो गीता और चिन्मय मिशन के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया आए, और मनमोहन शर्मा जी उनके सुपुत्र उनसे निवेदन करता हूँ कृपया आए, और महाराज जी को जो है ग्रंथ अर्पण करें। आइए, संत लोगों को निवेदन है, संत मंडली से कृपया खड़े रहें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। और ग्वालियर के लोग निवासी लगभग लगभग धीरे धीरे परिचित होते जा रहे हैं। लाल टिपारा स्थित जो गौशाला है, सभी के लिए आदर का स्थान है वो गौशाला। परम श्रद्धेय स्वामी हमारे बीच में जो संत जी पधारे हुए हैं, पुष्करानंद जी महाराज, इनके माध्यम से हरिद्वार के आश्रम से जो है वो संचालित होती है, और मैं आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, और आप करतल ध्वनि के साथ में उसका स्वागत करेंगे। लगभग लगभग शहर की 5000 गायें वहां पे जो है इस समय निवासरत है। सारी व्यवस्थाएं हरिद्वार का ये आश्रम जो है स्वामी जी का कर रहा है, और स्वामी जी रात्रि दिवस जो है इसके पीछे लगे रहते हैं। उसी सब प्रयास में स्वामी जी द्वारा जो है 108 कुंडी यज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है भविष्य निकट में, अभी 14 जनवरी से, और उसकी सारी जानकारी 15 जनवरी से 29 जनवरी तक जो है यहाँ की जा रही है। उसकी जानकारी के लिए मैं परम श्रद्धे हमारे राघवेंद्रानंद जी महाराज, अब उनका उद्बोधन होगा ही, वे भी उस संरक्षक मंडल में उसमें हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया स्थान ग्रहण करें, और परम श्रद्धे राघवेंद्रानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ। हम बोले पहले आप गीता, आज का रामधुन का जो विषय है गीता, और गीता का ही अनुवरण हुआ है पहले, इसलिए परम श्रद्धेय राघवेंद्रनाथ जी महाराज से निवेदन है, और शहर के यहाँ प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं कि महाराज श्री को गीता के ऊपर सुनने के लिए, तो महाराज श्री से निवेदन है गीता के ऊपर बोले। तत्पश्चात राघवेंद्रनाथ जी महाराज के आशीर्वचन के पश्चात पुष्करानंद जी महाराज का भी आशीर्वचन होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिः यत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाङ्गं सस्तनूभिः, विषेम देवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मूर्तिं। श्रद्धेय संत वृंद, पुष्कलानंद जी महाराज और अन्य संत, उपस्थित माताओं और रामचंद्र भक्त सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, गीता सतसई ये मिश्रीलाल जी शर्मा का काव्य रूपांतर, जब मुझे कल महाराज जी ने एक फॉर्म दिया इसका अध्याय दूसरे का, तो मुझे मराठी जो एक इस प्रकार की एक जो अनुवाद विनोबा भावे जी ने किया है उसके कुछ कुछ मैं बीच बीच में पढ़ते रहता हूँ। भगवद गीता मेरा भी बड़ा प्रिय ग्रंथ है, भगवद गीता, तो मुझे याद आया कि बहुत दिनों से मैंने भी वो गीता ही देखी नहीं है, गीता ही मेरे पास नहीं रहती है, और कुछ लोग यहाँ बहुत मराठी श्रोता उपस्थित है, इसका एक अनुवाद जिस पांचवा अध्याय शायद 23वां श्लोक, 5:23 पांचवा अध्याय 23 श्लोक, ये जो श्लोक है वो बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ आप लोग मराठी है तो ये एक श्लोक अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो भगवत गीता का सार इसमें आया है। ये भगवत गीता एक इस प्रकार का ग्रंथ है, जो महाराज जी ने भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में कहा है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर कई टीकाएं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी पुरुषों में हम लोग तो अद्वैत मार्ग के सन्यासी है, हम लोग विशेष रूप से आचार्य शंकर का भाष्य ही मानते हैं जो अद्वैत पर है, लेकिन हमारे मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज की जो टीका है, ज्ञानेश्वर महाराज का भी जो ज्ञानेश्वरी भाषांतर है बड़ा सुंदर है, उसमें सभी भाव आए हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत तीनों भाव आ गए हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर मावले ने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं, जो उन्होंने जब विस्तार किया भगवद गीता का तो सब प्रकार से उसको समझाया है। और मुझे तो लगता है कि ज्ञानेश्वरी में महाराज जी ने, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जिस प्रकार एक एक श्लोक को, कभी कभी तो 15-15 ओवियां उन्होंने लिखी है, 15-15, 20-20, 25-25, जिससे कि उसका भाव, श्लोक का भाव हमारे मन तक पहुंचे, इस प्रकार उन्होंने प्रयास किया है। अब संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा कहलाती है, हम लोगों को संस्कृत भाषा समझनी चाहिए और संस्कृत मूल में ही हम लोग उसे समझने के अधिकारी होने चाहिए, परंतु दुर्भाग्य अभी भी हम में से बहुत से लोगों को संस्कृत ठीक से उच्चारण और पढ़ना नहीं आता, इसलिए इस प्रकार का ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे प्राकृत भाषा में क्यों लाया, इसीलिए कि ये सब इतना बड़ा साहित्य, इतना सुंदर जीवन दर्शन, ये संस्कृत के कारण आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अभी का जो समय है ये अभी का समय उपनिषदों के ज्ञान का ही समय है, अभी हमें उपनिषदों का ज्ञान ही जीवन में उतारना है, क्योंकि यही एक ज्ञान ऐसा है जो हमें बचाएगा और हमें ऊपर उठाएगा। जो स्वामी जी ने भविष्यवाणी की है, भारत विश्व गुरु होगा, कैसे भारत विश्व गुरु होगा, हमारे अध्यात्म ज्ञान से, केवल हमारे न्यूक्लियर वेपन से हम जगत गुरु नहीं बनेंगे, हम जगत गुरु बनेंगे अध्यात्म ज्ञान से। और भारत का अध्यात्म क्या है, भारत का अध्यात्म इन उपनिषदों में छिपा है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। कभी कभी लोग ये भगवद गीता में मैनेजमेंट ढूंढते हैं, भगवद गीता में और कुछ ढूंढते हैं, देखिए भगवद गीता मैनेजमेंट के लिए भगवान ने अर्जुन को नहीं बताई, भगवद गीता युद्ध क्षेत्र में भगवान ने इसलिए बताई कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वस्तु विचार। दूसरा अध्याय हम देखते हैं,
दूसरे अध्याय में अशोचारम वशोचस्त्रम प्रज्ञावादम शवाशसे गतासु नगताशु च नानुशोचति पंडिता नत्वे वामं जातुनासं नत्वे निमेजनाधिपा न चैव न भविष्यः सर्वे वयमतः परम। इस प्रकार जो शुरू किया वो ही सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस ज्ञान को साक्षी रखकर यही ज्ञान बताया सुन लिया। और पहले ये बताया, फिर इसलिए तू कर्म कर, और कर्म कैसे कर, ये कर्म कैसे कर के लिए तीसरे अध्याय में बताते हैं इस प्रकार कर्म कर। मेरा वहां पर आश्रम में भी भगवद गीता के प्रवचन ही चल रहे हैं, तो तीसरे अध्याय में ये जो श्लोक 30-31 श्लोक है ये हम लोगों के बड़ा काम का है। निज अनुरागी चित्त से कर्म अर्पि सब मोही, त्यागी आस ममता आदि सब पार्थ युद्ध कर सोए। फिर आगे कहते हैं, मम प्रति श्रद्धा भक्ति सो दोष दृष्टि जिन नाही, अस मम मत जे अनुसरे ते नहीं कर्म बताई। क्या अद्भुत बात बताई भगवान ने, निज अनुरागी चित्त से कर्म अर्पि सब मोही, हम जो भी कर्म करते हैं हमें यही कर्म करना है, वही कर्म करना है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी कर्म करते हैं निज अनुरागी चित्त से ईश्वर में मन रखकर कर्म करना है, ईश्वर में मन रखकर हम ये कर्म करें। कर्म अर्पि सब मोही, सब कर्म तुम मुझे अर्पण करो। कैसे? त्यागी आस ममता सब, आसक्ति और ममता इसको छोड़कर पार्थ युद्ध कर, पार्थ युद्ध कर सोए। माने हम लोगों को इस संसार में कर्म करना है, आसक्ति मोह को त्याग कर और चित्त में ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति अनुराग रखकर। अगर ये करते हैं तो क्या होता है, इससे हमें और कुछ नहीं करना। मम प्रति श्रद्धा भक्ति सो, ये जो भगवान ने अभी कहा मम प्रति भक्ति श्रद्धा भक्ति सो दोष दृष्टि जिन नाही। हम लोग ना जगत में जीते समय बहुत दोष दृष्टि माने दोष ही दूसरों के निकालते हैं, अच्छा बहुत कम देखते हैं, और उसमें गलती कैसे उन्होंने की, उन्होंने खराब क्या, ये पहले दिखता मनुष्य को, यही माया का खेल। तो ये दोष दृष्टि को त्यागना है, सब जो कुछ कर रही है समो भूमि गोपाल की, ये सब कुछ है राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। हमें ना कभी कभी दुख होता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, अरे जो हो रहा है राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, सब कुछ राम जी है। तो ये भाव से हम दोष दृष्टि नहीं रखेंगे, तो ऐसे दोष दृष्टि नहीं रखना। इसलिए कहते हैं कि दोष दृष्टि जिन नाही, और श्रद्धा भक्ति मम प्रति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अस मम मत जे अनुसरे, ये मेरा भाव इस प्रकार जो कर्म करे मुझ में श्रद्धा रख के, ते नहीं कर्म बंधाई, उन्हें कर्म बांधते नहीं है। आज हम लोग जो इस शरीर में आते हैं वो कर्म के बंधन के कारण हमें कर्म बांधते हैं, कर्म काटने के लिए हम इस शरीर में आते हैं। तो केवल इस प्रकार से भगवान में मन श्रद्धा भक्ति रख के, और जो कर्म है आसक्ति ममता छोड़कर वो करना है। माने हमें प्राप्त हुआ है जन्म से, यही कर्म करना है, ये कर्म प्रभु ने दिया है, सो कर रहे, बस इस भाव से करना, इसी से कर्म कर जाएंगे। और फिर आगे क्या कहते हैं, मम मत जे नहीं आचरे दोष रूपी अज्ञान, तिन अज्ञानी नरन को नष्ट विश्व में मान। अगर वो लेकिन मेरा इस प्रकार का मत जो नहीं मानकर चलेंगे चलते हैं, वो अज्ञानी नरन को क्या होता है, वो अज्ञानी जीव नष्ट जैसे ही तू मान। माने नष्ट का तात्पर्य क्या है, उनका देह धारण करना व्यर्थ है, कुछ काम करने नहीं। तो इतना सरल सिंपल ये भगवद गीता का तत्व ज्ञान। अब ये भगवद गीता का तत्व ज्ञान हमारे लिए मिश्रीलाल जी ने हिंदी में लाया है। मैं आप सब सबसे अनुरोध करता हूं भगवद गीता रोज कम से कम 10 अध्याय 10 श्लोक रोज पढ़िए। अगर एक अध्याय रोज पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा, अगर एक अध्याय रोज नहीं पढ़ सकते 10-15 श्लोक रोज पढ़िए। अगर संस्कृत में पढ़कर उसका अर्थ नहीं समझता है, देखिए आपके लिए सरल भाषा में आ गई है भगवद गीता,
इस प्रकार पढ़िए और उसका मर्म समझकर उस प्रकार एक तरीको भी अनुभवावी। ज्ञानेश्वर महाराज मंटा, ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा है, एक तरीको भी माने एक जो उन्होंने एक श्लोक के ऊपर जो उन्होंने कितनी ओवियां रची है उसकी एक ओवी भी अगर हमारे मन में हम थोड़े अनुभव करते हैं बस जन्म सफल हो जाता है। तो ये एक तरीको भी अनुभवावी या साठिक मिश्री लाल जी ने हमले हम लोगों के लिए हिंदी में अनुवाद किया है। मैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे तो इस प्रकार के कार्य इन्होंने और भी किए हैं अनुवाद की का, इनका जीवन धन्य तो हो ही गया है और क्या करना है, बस प्रभु प्रभु के चरणों में इनकी मति रहे और इससे अनेक लोगों का मन ईश्वर की ओर जाए। जीवन के लक्ष्य जो ईश्वर है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर ही है, ईश्वर के लिए ही वास्तविक हमें जीना चाहिए, बस इसके लिए सबकी मति गति हो, यही प्रार्थना के साथ पुनः निश्चिलाल शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।